दुनिया में आज देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर सरहद पार भी शोक। उनकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार हो गए, ये मत समझो। वाजपेयी के निधन पर उन्हें याद कर रहा है पड़ोसी मुल्क, एक ऐसे राजनेता के तौर पर जिसने पहुंचाया था सरहद पार अमन का पैगाम। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कार्यक्रम में इसके अलावा होगा, अफगानिस्तान में लगातार हो रहे हैं हमले, काबुल में कोचिंग सेंटर में धमाके के एक दिन बाद एक और हमला, कैसे बदल रही है सीरिया की जिंदगी, रूसी सेना के साथ गई बीबीसी टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा बीबीसी दुनिया में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। 93 वर्षीय वाजपेयी पिछले 9 हफ्ते से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल ने अब से थोड़ी देर पहले बताया कि आज शाम 5:05 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। आज दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश प्रदेश के तमाम बड़े नेता एम्स अस्पताल पहुंचते रहे। आज सारा देश सुबह से ही अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनकी शख्सियत को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे जिनको लेकर भारत ही नहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक अलग तरह का अपनापन रहा है। 1999 में दिल्ली से लाहौर के लिए जो पहली यात्री बस रवाना हुई थी उस पर खुद अटल बिहारी वाजपेयी बैठे थे। बस जब वाघा बॉर्डर पर पहुंची तो उस समय वहां जो लोग मौजूद थे उनमें बीबीसी के पत्रकार आसिफ फारूकी भी शामिल थे। उन्होंने हमें बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान कैसे याद करता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जाने माने और एक तरह से पसंद किए जाने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है उनकी लाहौर यात्रा थी। वो 99 में लाहौर आए थे बस के थ्रू और पाकिस्तान में आके उन्होंने नवाज शरीफ की दावत पे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन किया था। मैं वाघा बॉर्डर पर मौजूद था जब बिहारी साहब की बस जो है वो आई थी और वो नीचे उतरे थे, तो वहाँ पर मुझ समेत बाकी जो हमारे दोस्त मीडिया के लोग थे वो, और उसके बाद अगले दिन जब वो इमेजेस अखबारों में छपे तो पाकिस्तानी अवाम में भी इसी तरह के जज्बात आए थे। वो एक तरह की हम्बलनेस थी वाजपेयी साहब की जो लोगों को बहुत याद रही, और उसके बाद उनकी सिंसियरिटी जो है उसके बारे में यहाँ पे बहुत चर्चा हुआ कि वो एक शायद एक बहुत सिंसियर एफर्ट करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। दूसरी बात जो वाजपेयी साहब की लाहौर यात्रा की पाकिस्तानियों के दिनों में याद रही वो उनका शाही किले में खिताब है जो उन्होंने तकरीर की थी वहाँ पे, वो है। और वो वहाँ तक पहुँचे कैसे थे वो भी एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि जमात इस्लामी जो फार राइट पार्टी है पाकिस्तान की, उन्होंने वाजपेयी साहब की लाहौर आने की मुखालफत की थी और उन्होंने खूब दंगा किया था उस दिन लाहौर में। सड़कें बंद थीं, पुलिस के साथ उनकी झड़पें हो रही थी, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी। इस सब के बीच वाजपेयी साहब जो हैं वो शाही किला पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने खुद से कश्मीर का जिक्र किया था। अब ये ऐसी बात है जो अनयूजुअल है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के कोई इंडियन लीडर पाकिस्तान आके खुद से कश्मीर का जिक्र करे। और उसके जवाब में जब नवाज शरीफ ने तकरीर की जो प्राइम मिनिस्टर उनको होस्ट कर रहे थे, उन्होंने वाजपेयी साहब की वो नज़्म पढ़ी थी कि जंग ना होने देंगे। तो ये वो इमेजेस हैं जो लोगों के दिलों पर नक्श हुए, लोगों को याद रहा, और इसी स्पिरिट में वाजपेयी साहब को याद किया जाता है कि वो एक सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान आए थे और एक उनमें एक ख़ास तरह की हम्बलनेस थी। और इसी बुनियाद पे वो जो एग्रीमेंट हुआ था जिसे लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं, वो इसीलिए वो भी लोगों को याद है।
और इसलिए भी याद है कि वो वाहिद डिक्लेरेशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसे पार्लियामेंट से एक्सेप्टेंस भी हुई। ये अलग बात है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान में मिलिट्री कू हुई और जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बरतरफ करके इकतदार संभाला, और उसके बाद वो फिर आगरा भी गए, लेकिन आगरा समिट को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो लाहौर में वाजपेयी साहब की आने की और उसके मौके पे जो हुई थी। और उसके बारे में कहा यही जाता है कि उसमें उसकी कामयाबी के पीछे शायद वाजपेयी साहब की सिंसेरिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया में तो नहीं पर दिलों में हमेशा रहेंगे। और अब बात अफगानिस्तान की, जहां आज फिर एक हमला हुआ है और अधिकारियों का कहना है कि राजधानी काबुल में कुछ हथियारबंद बंदूकधारियों ने खुफिया विभाग के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाजें सुनी हैं और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इधर काबुल के दूसरे हिस्से में बुधवार को एक कोचिंग सेंटर पर आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों का आज अंतिम संस्कार किया गया। कल एक कोचिंग सेंटर में एक आत्मघाती हमलावर ने धमाका कर 34 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें ज्यादातर छात्र थे। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तालिबान ने हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। हाल के वक्त में काबुल के पश्चिम में ऐसे कई हमलों में कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ रहा है। और अफगानिस्तान के लिए ये साल बेहद हिंसक रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पहले 6 महीनों में यहां लगभग 1700 आम लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 से अफगानिस्तान में ऐसे आंकड़े जुटाने शुरू किए थे और तब से अब तक ये आंकड़ा एक रिकॉर्ड स्तर पर है। देश के कई हिस्सों में अपने कब्जे में लेने के लिए अब सरकार भी संघर्ष कर रही है। यहां नजर आ रहे जो ग्रे इलाके हैं उन पर सरकार का कब्जा है, लेकिन लाल रंग वाले जो इलाके हैं उन पर अभी भी विद्रोहियों का कब्जा है, और पीले रंग वाले ये जो इलाके हैं ये वो इलाके हैं जहां पर संघर्ष अब भी जारी है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ग्लोबल राउंडअप में आज देखिए, किम जोंग उन के सौतेले भाई की मौत के मामले में दो औरतों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, और समंदर की लहरों पर सर्फिंग करता एक कुत्ता। और रूस ने दावा किया है कि सीरिया में अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं और अपना घर बार छोड़कर गए लोग अब वापस आ सकते हैं। सीरिया में 7 सालों की लड़ाई में करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है। 1,20,00,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन असल हालात अभी भी क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट। ये वो जगह है जहां से सीरिया की 7 साल चली लंबी लड़ाई शुरू हुई। सीरियाई विद्रोह का केंद्र डेरा, वो जगह जहां से पहली बार असद के खिलाफ आवाज उठी। पिछले महीने सरकारी सेनाओं ने यहां दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन रूसी मदद के बिना सीरिया के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। और अब रूस ने विदेशी पत्रकारों को यहां बुलाया है ये बताने के लिए कि रूस की वजह से ही यहां शांति आई है। इस पहाड़ी से रूसी सैनिकों ने थोड़ी दूर मौजूद एक इजरायली पोस्ट दिखाई। हम उस डीमिलिटराइज्ड जोन में हैं जो सीरिया और इसराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों के बीच है। जब यहां लड़ाई शुरू हुई तो संयुक्त राष्ट्र का शांति दल यहां से चला गया, लेकिन अब विद्रोही यहां से जा चुके हैं। सीरिया की लेबनान से सटी सीमा पर बसों में कई शरणार्थी अपने घर लौट रहे हैं। रूस के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि यहाँ अब शांति है, हालात काफी बेहतर हैं। लेकिन लेबनान में मौजूद कई सीरियाई शरणार्थी अब भी लौटने के मूड में नहीं हैं। कई को डर है कि लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। 4 साल पहले मोहम्मद ने सीरिया छोड़ दिया, गोलीबारी की वजह से उनका घर तबाह हो गया था। सीरिया अब भी महफूज नहीं है, मैं वहाँ कैसे रहूँगा, मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। लेकिन सीरियाई सरकार दावा करती है कि अब हालात बेहतर हैं और लोग आराम से अपने घर लौट सकते हैं। अब लड़ाई नहीं होगी, जो लोग यहाँ लौटना चाहते हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी। हमें ये दिखाने के लिए बुलाया गया कि रूस की मदद की वजह से ही अब सीरिया के हालात बहुत बेहतर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को रूस यही दिखाना चाहता है, लेकिन रूस को भी मालूम है कि लड़ाई जीतने के साथ साथ वहां के लोगों के दिलों को भी जीतना कितना अहम है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऐसे समुद्री जानवर जिसे बनाया एक इंसान। आगे बहुत कुछ है, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। इंसान के बनाए गए समुद्री जीव सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। नीदरलैंड्स के एक कलाकार ने पीवीसी पाइप्स की मदद से ऐसे मशीनी समुद्री जानवर तैयार किए जो हवा के बहाव से चलते हैं, और अब अमरीकी अंतरिक्ष संस्थान नासा भी इनसे सबक ले रहा है। हॉलैंड के स्क्वेरनिगन बीच पर ये खास मेहमान आए हैं। हवा के बहाव के साथ चलने वाले ये विशालकाय समुद्री जीव हर किसी को भा रहे हैं। Not really. It's always something special when you see them. I find it amazing. इन जानवरों को अपनी सोच और कलाकारी के जरिए इस बीच पर उतारने वाले शख्स एक इंजीनियर के साथ आर्टिस्ट भी हैं। मेरा नाम थियो जॉनसन है। 70 साल पहले जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ था, उसी जगह के बीच पर मैं कुछ नई चीज़ों को वजूद में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं आदी हो गया हूँ इस तरह के जानवर बनाने का। अब तो इसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आती। इन्हें बनाने के लिए थियो ने दिन रात एक कर दिया। लगभग 28 सालों तक वो कोशिश करते रहे और नाकाम होते रहे, पर जब उनकी कोशिश रंग लाई तो हवा की मदद से चलने वाले इस तरह के मशीनी कारनामे ने नासा का भी ध्यान खींचा। थियो के डिजाइन से ही कुछ मिलता जुलता बना है नासा का वीनस रोवर, जिसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, पर इसे ज्यादा दबाव और ऊंचे तापमान में काम करना पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिकों को संदेह था कि इस रोवर के पैर शुक्र ग्रह की पथरीली सतह पर काम कर पाएंगे या नहीं, पर यह मुश्किल हल कर सकता है थियो का बनाया ये झींगे वाला डिजाइन। नासा ने मुझे बुलाया, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्हें मैंने अपने विशाल काय जानवरों के बारे में बताया। नासा अपने वीनस रोवर का फाइनल डिजाइन अब तैयार कर रहा है। चाहे वो जैसा भी दिखे, पर यह तय है कि इसमें थियो के इन विशाल काय समुद्री जानवरों की झलक जरूर होगी। परंपराओं को चुनौती देती अफगानिस्तान की एक महिला कलाकार और एक खास हेलीकॉप्टर जो बर्फीले इलाकों की करता है निगरानी, देखते हैं ऐसी ही कुछ दिलचस्प खबरें। महिलाओं को समान हक दिलाने के मामले में श्रीलंका कई देशों से बहुत आगे है। वहां की वायुसेना में पहली बार महिला पायलटों का एक दल बनाया गया है। रंगना थथसरानी वीरवर्धन पायलट ट्रेनिंग लेने वाली पहली 4 महिलाओं में से एक हैं। वो कहती है कि उन्हें चुनौतियां पसंद है, इसलिए उन्होंने पायलट बनने का फैसला किया, और वो अपने काम से श्रीलंका की दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करना चाहती हैं। अफगानिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों को बेहतर मौके मिल रहे हैं। फरिश्ता एक अफगान पख्तून महिला है जो कि सोला और सियाल नाम के टीवी शो की शूटिंग में व्यस्त है। इस शो में ज्यादातर किरदार स्थानीय महिला कलाकारों को ही दिए जा रहे हैं। फरिश्ता कहती है कि उनके परिवार वाले सिनेमा को लड़कियों के लिए सही नहीं मानते, और कई लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। अफगानिस्तान में महिला कलाकारों के प्रति इसी रवैये की वजह से वहां लड़कियां काम करने के लिए तैयार नहीं होती, और प्रोडक्शन कंपनी को बाहर से महिलाओं को साइन करना पड़ता है। ये है अंटार्कटिक का निरीक्षण करने वाला ब्रितानी ट्विन ऑटर प्लेन। ज्यादातर इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक पृथ्वी की सबसे ठंडी जगहों तक जाने में करते हैं, लेकिन अब इसका अलग इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्लेन वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैस को मापने का काम करेगा। ब्रितानी अंटार्कटिक सर्वे की डॉक्टर एना जॉन्स कहती हैं कि उन्हें इस बात का पता लगाना जरूरी है कि खेतों और पावर स्टेशन से कितने पैमाने में ग्रीन हाउस गैस बनते हैं और कितने महासागरों में मिल जाते हैं। अब वक्त है आज के कार्टून का। डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ते रुपए की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं, और इसी पर कीर्तिश ने बनाया आज का कार्टून। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जकार्ता में कैसी चल रही है एशियाई खेलों की तैयारियां, और लहरों पर सर्फिंग करता कुत्ता। आगे दिखाएंगे आपको ग्लोबल राउंडअप।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह और अब वक्त है बीबीसी ग्लोबल राउंडअप का। और पहली खबर मलेशिया से। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके सौतेले भाई किम जोंग नम की मौत के मामले में दो महिलाओं पर हत्या का मुकदमा चलेगा, ये कहना है मलेशिया की एक अदालत का। मलेशिया में ही पिछले साल किम जोंग नम की मौत नर्व एजेंट वीएक्स के इस्तेमाल से हुई थी। इस महीने के अंत में चीन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अमरीका भेजेगा, जहां वो दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति से उपजे तनाव को कम करने के बारे में बात करेंगे। जून से दोनों देशों ने एक दूसरे के उत्पादों पर अरबों रुपए का सीमा शुल्क लगा दिया है और अगले हफ्ते कुछ और शुल्क लग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में आसपास शांति बहाल होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल और फलस्तीन लोगों ने तनाव कम करने की कोशिश की है। पिछले हफ्ते ही चरमपंथी गुट हमास ने गजा में कई रॉकेट दागे और इसराइल ने भी हवाई हमले किए थे। उत्तरी इटली के शहर जेनोवा के चीफ मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कम से कम 20 लोग मंगलवार को गिरे मोरांडी ब्रिज के नीचे फंसे हो सकते हैं। हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, पर अभी भी कई टन मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। सुनिए एक बचावकर्मी ने क्या कहा। जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि मलबे के नीचे कोई नहीं है, तभी हम बचाव कार्य रोकेंगे। हमें इस बात का अनुमान है कि उस वक्त पुल पर कितनी गाड़ियां थीं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये बचाव कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा खबरों में है अमरीकी गायिका मैडोना, जो आज 60 साल की हो गई है। उनका पूरा नाम मैडोना लुइस वेरोनिका चिकोन है और उनके 30 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड्स बिके हैं, जिससे उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। फोर्ब्स कंपनी के मुताबिक वो अमेरिका की सबसे अमीर महिला आर्टिस्ट हैं। 18 अगस्त से शुरू हो रहे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियन गेम्स, इसे लेकर जकार्ता में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एथलीट्स विलेज के पास बने डेल्टा सेरडोंग गांव में रहने वालों ने अपने घरों की दीवारों को रंगीन कर दिया है। इन गेम्स में 45 देशों से 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। आखिर में मिलिए 2 साल के लेब्राडोर मैंगो से, जो लहरों पर सर्फिंग करती है। ब्रिटेन के कार्नवाल में रहने वाली मैंगो का सर्फिंग करते हुए एक वीडियो उनके मालिक ने इंटरनेट पर डाला, जिसके बाद कई लोगों ने इसे देखा। तो अगली बार जब आप लहरों पर जाने से डरें तो मैंगो के बारे में सोच लीजिएगा। और अब कुछ खबरें बीबीसी के सोशल मीडिया से भी। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचा, जिसमें क्रोएशिया ने उसे हरा दिया, लेकिन इससे उसकी रैंकिंग बेहतर हुई है। बीबीसी स्पोर्ट्स ने इसके बारे में ट्वीट किया है कि फीफा की ताजा रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड 6 नंबर पर है। यह ब्रिटेन की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। नंबर 1 पर है फ्रांस, 2 पर है बेल्जियम और 3 नंबर पर है ब्राजील। जर्मनी का स्थान 14 है। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना। We'll be right back.